हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि CVPDE। और इस सब्जेक्ट के अंदर हमने ऑलमोस्ट पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया है। तो हमने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया था MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो हमने स्टार्ट किया था। और आज इस वीडियो में भी हम यही यूनिट नंबर 1 जो है ये सब्जेक्ट के अंदर, उनके आगे के जो MCQ है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक MCQ लिया हुआ है। सी, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ क्या है, लॉग ऑफ 1+i इज ब्लैंक। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 1+i जो है वो एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, राइट। सो उसको मैं लिखता हूँ जेड इक्वल टू 1+i। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उनका हमें क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है, राइट। सो यहाँ से हम पहले हम जेड इक्वल टू 1+i मैंने लिखा है, तो यहाँ से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो हम पहले लिखेंगे। सो इनको हम स्टैंडर्ड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x+i/y उनके साथ कंपेयर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा 1, एंड y इक्वल टू जो है वो क्या हमारा आएगा आंसर, वो भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, सो x एंड y दोनों की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 1 मिली है। अब हम लॉगरिदम का इक्वेशन लिखते हैं, बट उसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए, वो हम पहले से फाइंड कर ले तो भी ठीक है, अदरवाइज बाद में हम फाइंड करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो उसमें एक चीज़ आती है स्क्वायर रूट x² + y² फाइंड करना है, राइट। तो वो यहाँ पे हम x एंड y की वैल्यू रखेंगे तो 1² = 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1+1 यानी कि जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा, √2 आएगा। ओके, तो ये एक टर्म आ गई, ये हमें फाइंड करनी ही है, तो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया है, राइट। तो ये √2 आया, ये आपको याद रखना है √x² + y² का आंसर। अब उसके बाद और एक चीज़ चाहिए, वो थी tan inverse y by x। ओके, सो ये भी हम फाइंड करें तो क्या आएगा, यहाँ पे tan inverse 1 आएगा। y एंड x की दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan inverse 1 आएगा। और tan inverse 1 जो है उसका आंसर क्या आता है, π/4। ओके, सो ये दो चीज़ हमने जो ज़रूरी थी वो हमने फाइंड कर दी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, जो हमने जनरल इक्वेशन लिखा था उसमें क्या था कि लॉग ऑफ x+i/y ये फॉर्म में कुछ भी दिया है तो वो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लॉग √x² + y² + i ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2n π + tan inverse y by x। ओके, अब देखिए यहाँ से होगा क्या, तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू हमने फाइंड तो की है, बट यहाँ पे हमें वन ऑफ द वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, राइट। सो एक काम करते हैं, हम प्रिंसिपल फाइंड करते हैं ना, उसमें n इक्वल टू हम 0 रखते हैं। सो n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम ये निकाल देंगे, राइट। और हमारा आंसर में भी ये 2n π वाली जो टर्म है वो है ही नहीं, तो हम n इक्वल टू 0 रखते हैं। तो हमारा जो है वो इक्वेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ये √x² + y², तो वो ऑलरेडी हमने फाइंड किया, वो कितना आया, √2 आया, प्लस आयोटा ब्रैकेट में ये tan inverse y by x का आंसर हमारा आया था अभी π/4। ओके, तो सी अभी ये आप देखिए कौन सा जो हमारा जो ऑप्शन है वो सूटेबल है, यहाँ पे लॉग ऑफ √2 बीच में क्या है, साइन प्लस है। तो देखिए यहाँ पे ही दो ऑप्शन में साइन प्लस है, तो ये दो में से एक आएगा, यहाँ पे ये तो 2 है तो वो तो आएगा नहीं, तो आएगा कौन सा, ये ए, लॉग ऑफ √2 + iota π/4, तो ये हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये
ये हमने पढ़ा था डी मोर्गन थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द डी मोर्गन थ्योरम क्या है, सी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसी कोई टर्म आए ये फॉर्म में और उसका जो पावर है वो एन हो, तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस, ये जो एन है उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है थीटा के साथ, राइट। कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, सो ये हम लिख सकते हैं, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, ये जो है कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 7π/8, ओके। और यहाँ पे ये दोनों सेम ही होना चाहिए तब जाके हम ये डी मोर्गन थ्योरम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में है और जो एन की वैल्यू है वो क्या दी हुई है हमें, ये 16π/7। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये रूल अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ऑफ, मैं थोड़ा साइड से लिखता हूँ, कॉस ऑफ 7π/8 तो है ही, उनको हमें इनके साथ मल्टीप्लाई करना है गेरी, तो इस तरह से लिख सकते हैं, लिखते हैं एन थीटा, तो ये हमारा ये एन है और ये थीटा है, प्लस आयोटा साइन, फिर से यही होगा 7π/8 इंटू 16π/7। अब यहाँ से जो भी कुछ कैंसिल होता है वो हम कर सकते हैं, ये 7 कैंसिल होता है और यहाँ से 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2। सिमिलरली यहाँ पे ये 7 और यहाँ पे 8 2 16, तो यहाँ पे 2 रहेगा, राइट। सो हम उसको हम सिंप्लीफाई करें तो किस तरह से लिख सकते हैं, कॉस यहाँ पे ये पाई है और ये 2 है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2π प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π, ओके। चलिए अब ये हमने लिख दिया, तो सी अब 2π यानी कि एक पूरा सर्कल हो गया ना हमारा, 2π यानी कि हम लिख सकते हैं 360 डिग्री, ओके। 360 यानी कि 0 डिग्री ही है, तो कॉस 0 का आंसर क्या आता है 1, प्लस ये आयोटा, साइन 0 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, साइन 2π का 0 आएगा, सो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा आएगा, डी वाला आएगा, ओके। तो चलिए आगे मूव होते हैं, सी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, एंड दूसरी कंडीशन दी है हमें एंड जेड बार इक्वल टू जेड। अब देखिए जेड हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार जो है उसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई, उसमें हम क्या करते हैं, ओनली ये जो इमेजनरी जो पार्ट है उनकी जो साइन है ना वो चेंज करते हैं, प्लस हो तो माइनस एंड माइनस हो तो प्लस, तो जेड एंड जेड बार मैंने ये लिख दिया, कहाँ से लिखा, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वहाँ से। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए जेड बार जो है वो इक्वल टू क्या है, जेड, तो देखिए जेड बार क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू ये जेड क्या है हमारा, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए दोनों इक्वल जो है वो कब पॉसिबल है, आप आराम से यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, बहुत ही इजी है, ये दोनों जो नंबर है वो कब सेम होंगे, सिर्फ ये इमेजनरी जो पार्ट है उनकी ही साइज जो है वो चेंज हो रही है, बाकी ये रियल पार्ट जो है वो तो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों में, गेटिंग, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों की साइन चेंज है, देखिए इमेजनरी पार्ट की, तो ये दो जो इमेजनरी पार्ट है वो हो गए ही नहीं, तो ये जेड बार इक्वल टू जेड हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब इमेजनरी पार्ट होगा तो वो साइन तो चेंज होनी ही है, तो वो इक्वल तो आने वाला है ही नहीं, गेटिंग। सो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ओनली हमें रियल पार्ट दिया होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो प्योरली रियल नंबर होता है, तब जाके हम बोल सकते हैं जेड बार इक्वल टू जेड, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा, जेड इज कम्प्लीटली रियल, ओके, तब जाके ये पॉसिबल है, ओके। ये तो बहुत इजी था, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके। ये जो MCQ है वो आपको याद रखना ही है, क्योंकि हम हर बार बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है कि उसके अंदर ये ऑलरेडी हमने यूज़ किया ही है, राइट।
सो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कॉची रेमन इक्वेशंस। सो कॉची रेमन इक्वेशन हम लिखते थे किस तरह से लिखते थे, एग्जाम्पल के अंदर डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, एंड दूसरी जो पैर है वो क्या लिखते थे हम, डेल यू बाई डेल वाई, यानी कि ये पार्शल डिफ्रेंसिएशन है यू का वाई के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू हम क्या करेंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ओके ये लिखते हैं, ये है ही हमारा सी आर इक्वेशन, राइट, शॉर्ट में बोले तो। और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है तो हम बोल सकते हैं कि गिवन जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ये डेल यू बाई डेल एक्स है पार्शल डेरिवेटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं यू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यू एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वी वाई। सिमिलरली ये जो कंडीशन है उसको हम शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं, यू वाई यू का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शल डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू माइनस वी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, राइट। सो देखिए ये कंडीशन जो है वो कहाँ पे दी हुई है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो ऐसा है, यू एक्स इक्वल टू यू वाई, देखिए यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, सभी जगह पे है, तो ये हमें देखना है ये यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो ये तो है ही नहीं, वी है, यू वाई इक्वल टू यहाँ पे प्लस वी एक्स, ये भी नहीं है, तो कौन सी आएगी, ये देखिए गेटिंग, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम मूव होते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है वैसे, कॉस ऑफ यहाँ पे किसका है, देखिए लॉग आई रेस्ट टू आई है ना। सो पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट की जो टर्म है ना उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, उनके उसका जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे कोसाइन, तो हमारा आंसर आ सकता है। ओके तो ब्रैकेट वाली टर्म में लिखता हूँ, देखिए लॉग ऑफ आई रेस्ट टू आई। अब यहाँ पे एक रूल है हमारा लॉगरिदम में, यहाँ जो एक्सपोनेंट जो रहता है पावर वो लॉग के आगे जाता है, राइट, तो मैं यहाँ पे आई को आगे लिखूँ तो आई इंटू लॉग आई लिख सकते हैं हम। ओके अब हमारे पास लॉगरिदम की फॉर्मूला है, लॉग आई का क्या करना है, तो आई है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई लिख सकते हैं, उसको हम एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0, एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं दिया है दैट मीन्स 1। ओके सो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू क्या लेना है, हमें 1 लेना है, किसके लिए, ये आई का लॉगरिदम के लिए, गेटिंग। सो ये आई तो बाहर ही रहेगा, तो यहीं से मैं आपको बताता हूँ लॉगरिदम का, मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ थोड़ा साइड से, यहाँ से लिखता हूँ तो क्या आएगा, ये आई तो है ही ये वाला, और ये लॉग आई का जो भी है वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, तो एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई की वैल्यू 1 है, उनका स्क्वायर करिए तो भी 0 एंड 1 ही आएगा, और उसका स्क्वायर रूट करिए तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट 1, दैट मीन्स 1 आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये लॉग 1 का आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो मैं निकाल के यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ। ओके चलिए तो नेक्स्ट, प्लस आयोटा ब्रैकेट में क्या आएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये आएगा। अब पाई बाई 2 कहाँ से है, मैं डायरेक्ट मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या आता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आता है, राइट। सो यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो टेन इनवर्स क्या होगा, वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की 0 है, तो 1/0 यानी कि क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और टेन इनवर्स इन्फाइनाइट का आंसर जो है वो क्या आता है, पाई बाई 2 आता है, राइट। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली निकाल के मैं लिख देता हूँ, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स की जगह पे टेन इनवर्स इन्फाइनाइट होता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ पाई बाई 2। ओके तो उसको हम थोड़ा अच्छी तरह से लिखे, तो देखिए ये ब्रैकेट को ओपन करें तो ये आई एन आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और आई स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -1। ओके चलो मैं आई स्क्वायर अभी रहने देता हूँ,
और यहाँ पे जो है हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कंसिडर कर, तो एन इक्वल टू हम क्या कर देंगे यहाँ पे जीरो। ओके, तो ये जो टर्म है वो पूरी क्या हो जाएगी, जीरो कंसिडर कर दो प्रिंसिपल कॉम लॉगरिदम का, तो आंसर क्या आएगा, आई स्क्वायर इंटू पाई बाई टू आएगा हमारा। ये मैंने जनरल, ये जो है फॉर्मूला, मैंने ये जो जनरल लॉगरिदम की जो फॉर्मूला है ना वो लिखी है इसीलिए। ओके, प्रिंसिपल के लिए लिखो तो यहाँ पे एन इक्वल टू आप जीरो कंसिडर कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाई टू, तो ये आई स्क्वायर की जगह पे माइनस रखो तो आंसर क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू आएगा। ओके, सो ये किसका आंसर आया, लॉग ऑफ आई रेस टू आई का आंसर जो है वो कितना आया हमारा, माइनस पाई बाई टू। अब देखिए, अब हमारे पास ये टर्म है कॉस ऑफ, ये जो ब्रैकेट है उसका आंसर हमारा आया वो मैं लिख देता हूँ माइनस पाई बाई टू। तो देखिए ये हमारे पास पता है कि जब इवन होता है यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये माइनस को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, राइट। सो ये कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू है, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई टू लिख सकता हूँ। और मेन बात, कॉस पाई बाई टू, पाई बाई टू यानी कि डिग्री में हम लिखे तो क्या आता है 90, सो उसका आंसर क्या आता है कॉस पाई बाई टू का, जीरो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ए, यानी कि आंसर हमारा जीरो आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। देखिए यहाँ पे भी वर्ड लिखा है, देखिए भूल, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन, हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा उसमें प्रिंसिपल वैल्यू लिखी नहीं थी, तब भी हमने प्रिंसिपल वैल्यू ही लिया है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही उसी टाइप का था इसीलिए, राइट, 2n π+ के फॉर्म में नहीं था तो हमें प्रिंसिपल लॉगरिदम की वैल्यू लेनी थी। तो यहाँ पे भी वही है, प्रिंसिपल वैल्यू अब किसका, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा कॉस था, यहाँ पे क्या है साइन है, और ये टर्म देखिए सेम है, तो ये टर्म का आंसर तो हमें पता है क्या आया, माइनस पाई बाई टू आया। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ ये लॉग ऑफ आई रेस टू आई का आंसर जो है वो मैं लिखूँगा माइनस पाई बाई टू। अब ये रूल हमें पता है कि ये और फंक्शन है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकालेंगे, कॉस हो तो हम रिमूव करते हैं, साइन हो तो क्या करते हैं, माइनस साइन थीटा हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगा, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू यानी कि 90, और साइन 90 का आंसर क्या आता है, 1 आता है, और ये आगे माइनस है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा ऑप्शन सी आएगा, आंसर आएगा हमारा -1। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, बहुत ही इजी है ये तो। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो फाइंड करना है, और ये पैर दिए है सारे के सारे ऑप्शन के अंदर, पहला रियल पार्ट है, दूसरा इमेजनरी पार्ट। तो क्या करेंगे, ये हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको पहले जो दिया हुआ है उनको हमें, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई, ये फॉर्म में हमें पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये 2 + 3i है तो हम क्या करेंगे 2 - 3i के साथ मल्टीप्लाई और 2 - 3i के साथ डिवाइड करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे न्यूमरेटर का, तो 3i × 2 क्या लिखेंगे हम, 6i लिखेंगे, माइनस 3i × 3i तो क्या लिखेंगे हम, 3 × 3 9, और ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। अभी आई स्क्वायर की जगह पे हम -1 रखें तो ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम क्या लिख सकते हैं +9 लिख सकते हैं, और रियल पार्ट हम पहले लिखे तो 9 6i + 9 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 9 + 6i, मैं यहाँ पे ही चेंज कर रहा हूँ, 9 + 6i लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय, अभी ये a + b और ये a - b वाली टर्म है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a² - b² होता है, तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो a क्या है हमारा 2, तो 2² यानी कि क्या आएगा 4, माइनस सॉरी a² + b² नहीं, a² - b² आता है, राइट। बीच में मैं क्या करता हूँ, माइनस 3i² 3i होल स्क्वायर, तो 3² यानी कि 9,
और आई का स्क्वायर जो है वो हम लिखेंगे आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखें, माइनस वन रखें, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 + 4 क्या लिखेंगे हम, 13। तो ये सिंप्लीफिकेशन आएगा हमारा। तब हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को डिफरेंट है ना सेपरेट कर देते हैं। तो 9 / 13 लिख सकते हैं हम, 9 / 13, बीच में ये क्या है, प्लस है, ये 6 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 / 13 और ये आई। उनको आप अभी कंपेयर करिए किसके साथ, एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ। अभी यहाँ पे हमारा ये जो एक्स है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट यानी कि 9 / 13 आया। सो 9 / 13 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, और आई के साथ क्या है वाई, तो वाई क्या आ जाएगा हमारा 6 / 13, तो वो भी हमारे यहाँ पे देखिए 9 / 13 रियल पार्ट हो गया ये, और 6 / 13 इमेजनरी पार्ट। तो ये हमारा आंसर आएगा डी। ओके, सो बहुत ही इजी एमसीक्यू आते हैं, आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक फंडा जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप आराम से बहुत इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एमसीक्यू देखेंगे।